नमस्कार दोस्तों, इस नई वीडियो में करता हूं आप सभी का स्वागत। मैं चाहता हूं आपके जेब में दो पैसे एक्स्ट्रा, इसीलिए इस वीडियो को बना रहा हूं। एंजल ब्रोकिंग पर अगर आप सभी ने अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाया है तो फौरन इन आईपीओस को चेक कीजिए। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है। अगर आप इनको बैंक कर लिए तो दोस्तों आप 15-20 हज़ार रुपये फट से कमा लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दोस्तों मैंने आपको दिखाया था कैसे मैंने निरोलैक कंपनी का आईपीओ लेकर मात्र 2 से 4 दिनों के अंदर 15 हज़ार रुपये लगा के 15 हज़ार कमा लिया था। ये फटाफट अब आपको बताता हूं कौन सी कंपनीज के आईपीओ नवंबर के शुरुआती टाइम में आने वाले हैं और कैसे आप इनको मिस नहीं करेंगे। दोस्तों सबसे पहले डीमैट अकाउंट आपके पास होना चाहिए एंजल ब्रोकिंग का। अगर आपने डीमैट अकाउंट अभी तक नहीं ओपन किया है तो एंजल ब्रोकिंग फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड लिंक से जरूर विजिट कीजिए और अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। नहीं जानते आप कैसे खुलवाना है तो एक और वीडियो की लिंक होगी, उस पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा 5 मिनट में कैसे अकाउंट ओपन होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कौन कौन से आईपीओ इस समय चल रहे हैं, तो यहां मेरे सामने है, मैं पारी पारी सबके बता दूंगा आपको जानकारी और आपको इनमें से कौन सा लेना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहली तो नायका कंपनी है जो कि इस समय बहुत ही पॉपुलर है। नायका कंपनी कॉस्मेटिक्स की ऑनलाइन ब्रांड है जहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं सामान, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरह बहुत तेजी से चल रही है। इनका दोस्तों 1085 रुपए से लेकर 1125 रुपए तक रेंज हो सकता है शेयर्स का और मिनिमम आपको 12 क्वांटिटी लेना पड़ेगा, मतलब 13,020 रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे तो फिर दोस्तों आप सभी को रिटर्न में अच्छे पैसे मिल सकते हैं अगर आपको ये आईपीओ मिल गया। अब मिल गया का क्या मतलब है, आईपीओ कैसे लिया जाता है ये आप नहीं जानते तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा एंजल ब्रोकिंग की, जिसमें कि मैंने बताया है कि आईपीओ आप कैसे परचेज कर सकते हैं, वो परचेज करने का तरीका उस वीडियो में होगा। तो देखा जाए 3 लिंक होंगे, एक तो एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट खुलवाने के लिए, एक तो एंजल ब्रोकिंग के अकाउंट खुलवाने के स्टेप्स की वीडियो जानने के लिए और तीसरा है कि आईपीओ कैसे परचेज किया जाता है। तो कंपनीज के बारे में भी मैं बताऊंगा। दोस्तों नायका क्या यहाँ पर 6.3 times सब्सक्राइब हो गए हैं तो आप भी फटाफट कर लीजिए, इसमें ज़्यादा समय नहीं है। टाइम भी यहाँ पर सिर्फ 1 नवंबर तक का दिया गया है, अगर 1 नवंबर के बाद ये वीडियो पड़ रही है तो उसके लिए सॉरी। फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, 2 नवंबर तक इनका दोस्तों टाइम दिया गया है, 29 अक्टूबर से 560 से 577 के बीच इनका रेट होगा और 25 क्वांटिटी मिनिमम लेनी होगी, 14,000 इन्वेस्ट करने होंगे। अब आप ये 14,000 लगाएंगे, मान लीजिए शेयर इशू हो गया और कंपनी अचानक से फुल फ्लेज हो आती है तो देखा गया है कि 50-100% ग्रोथ आ जाती है अगर कंपनी अच्छी हुई तो शुरुआती स्तर में, फिर बाद में वो धीरे धीरे शेयर्स प्राइस बढ़ते हैं लेकिन शुरुआती स्तर में अच्छी ग्रोथ आती है। तो आप नायका का तो जरूरी लीजिएगा, फिनो का चाहे लीजिए चाहे ना लीजिए, पेटीएम का आपको मिल जाए तो आपका नसीब बहुत अच्छा है और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, क्योंकि दोस्तों 100 मान लीजिए आईपीओ रिलीज हो रहे हैं तो वहाँ पर 1,000 लोग उसके पीछे लग जाते हैं ताकि सबके पैसे बढ़ जाएं। तो किस्मत के ऊपर है, मिलना है तो मिल जाएगा, नहीं मिलना है तो नहीं मिल जाएगा। अगर आपको मेरी बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों मिनिमम 6 क्वांटिटी लेनी होगी, 2,000 रुपये के लगभग इनके शेयर होंगे, 12,480 रुपये आपको इन्वेस्ट करने होंगे और अगर ये बढ़ गया तो 24,000 से 30,000 रुपये आपके हो जाएंगे कुछ ही घंटों के अंदर। इसके बाद पॉलिसी बाजार का भी शेयर बहुत अच्छा है, बिल्कुल ले लीजिए, जो कि 1 नवंबर से 3 नवंबर के बीच ही बुक करना होगा। SJS इंटरप्राइज लिमिटेड का यहाँ पर शेयर है दोस्तों, इसके बारे में मैं कुछ श्योर नहीं कह सकता क्योंकि इसकी पॉपुलरिटी उतनी नहीं है, लेकिन दोस्तों ये एक बैकएंड कंपनी है जो कि टर्शरी सेक्टर की है तो ये भी आप ले सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ की चांसेस नहीं है पर 50% कहीं नहीं गया है, मतलब अगर आप 14,000 लगाएंगे तो अगर आपको मिल जाता है तो 22-23,000 रुपये आराम से हो जाएगा। 1 नवंबर से 3 नवंबर तक यहाँ पर टाइम दिया गया है। इसके बाद दोस्तों सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इक्सीगो और ओयो, इनके अभी अनाउंस नहीं हुए हैं, सिगाची के 3 नवंबर तक आपको मिल जाएंगे लेकिन इक्सीगो और ओयो जब आएगा तो इसको ज़रूर लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, किस्मत अच्छी हुई तो बहुत बढ़िया है। और इस महीने सफायर फूड इंडिया लिमिटेड का भी आएगा जो कि KFC और पिज़्ज़ा हट के मालिक हैं इंडिया के अंदर, वही ऑपरेट करती है, तो दोस्तों इनके शेयर्स आपको मिल जाएं तो, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनीज है, लॉन्च होते ही बहुत आगे जाएंगे तो उसमें कोई भी डाउट नहीं है। श्रीराम प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी तेज़ी से जाएगा और गो फैशन और मोबीक्विक भी छोटी कंपनीज नहीं है। दोस्तों ये शेयर्स अभी नहीं लॉन्च हुए हैं आईपीओ में तो मैं आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगा, मैं आपको फिर एक वीडियो बना के दे दूंगा कि कौन कौन से आईपीओ अच्छे हैं आपको लेने चाहिए। इन आईपीओस को बिल्कुल मिस ना कीजिए। अभी के लिए छोड़ो में इतनी जानकारी, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक बार फिर बोल दूँ, नायका, फिनो, पेटीएम, पॉलिसी बाजार और SJC बैंक आउट कर लीजिए, 5 शेयर हैं, 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच आपके पास टाइम है, कुछ कुछ में तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है तो फटाफट इनको रजिस्टर कीजिए एंजल ब्रोकिंग की मदद से। कुछ कुछ आईपीओस 2 और 3 नवंबर के बाद आप नहीं ले पाएंगे,
हालांकि पेटीएम 8 तारीख से शुरू होगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैं बीच बीच में आता रहूंगा, आपको शेयर्स और आईपीओस के बारे में समझाता रहूंगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतनी जानकारी, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि सब पैसे कमा सकें आपके साथ। एंजल ब्रोकिंग का नाम मैं इसलिए लेता हूं क्योंकि बहुत ही अच्छे से यहां पर आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और पैसे भी नहीं लगते अकाउंट खुलवाने में। मैं खुद यूज़ करता हूं तो आपको क्यों ना सजेस्ट करूं। नीचे तीन लिंक है, ध्यान दीजिएगा। पहले पे क्लिक करके आपको अकाउंट बनाना है एंजल ब्रोकिंग का डीमैट फ्री में, आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड लगना होगा। और दूसरे लिंक में दोस्तों आप सीख सकेंगे कैसे अकाउंट बनता है, और तीसरे लिंक में आईपीओ को कैसे परचेस करना है और आईपीओ होता क्या है उसके बारे में और जानकारी आप समझ सकेंगे। अभी के लिए दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।